हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या गलतियां हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन रुक जाती है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 की ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम लोग सरकारी शिक्षक बन नहीं पाते, या फिर हमें वो क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो 101% आप लोगों का पेपर क्वालिफाई होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत मीनिंगफुल और जबरदस्त वीडियोस मैं आप सभी लोगों के लिए बनाती रहूं। और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सेशन की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहे। तो चलो आ जाओ, हम अपने सरकारी शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर क्यों नहीं पाते, ऐसी कमियां क्या रह जाती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हम लोग समय को मैनेज नहीं कर पाते, हम टाइम मैनेजमेंट में लैग कर जाते हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे हो या सोच रहे हो कि ठीक है मैं एकदम एंड में तैयारी करूंगा, जब एग्जाम की डेट ही एकदम आ जाएगी मैं तभी तैयारी करूंगा, उससे पहले मैं इंजॉय करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। अगर आप लोग ऐसे करोगे, टाइम की मैनेजमेंट नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से एक अलाइंड तरीके से तैयारी नहीं करोगे, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉन्फिडेंस के अंदर बैठे हैं कि कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है अभी टीआरई 4.0 की अगर मैं तैयारी देखूं तो अगस्त के अंदर पेपर आएगा, तो मैं आराम से तैयारी को जुलाई के अंदर स्टार्ट करूंगा जब नोटिफिकेशन आउट होगी, मैं अभी क्यों तैयारी शुरू करूं। भाई, नोटिफिकेशन आउट होगी, मान लो आपकी नोटिफिकेशन जुलाई एंड में आउट हुई और अगस्त एंड में आपका पेपर हो गया, तो क्या आप लोग एक महीने के अंदर एक एग्जाम की तैयारी कर क्वालिफाई कर मेधा सूची के अंदर आ जाओगे? बताओ, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप में ये ओवर कॉन्फिडेंस है तो भैया इसको छोड़ दो, ये आसान पेपर नहीं होते, इनमें बहुत मेहनत बहुत शिद्दत लगती है, तब जाकर हम लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है समय की मैनेजमेंट। आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, जो समय पे काबू पा लेता है ना वो इजीली अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेता है। आज वेस्ट मत करो टाइम की कल आप लोगों को पछतावा हो, ये बात ध्यान रखना। सेकंड जो आती है मेरे फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं एक प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर तैयारी नहीं करते, हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते, या फिर हम लोग रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं अपने सिलेबस को पढ़ लिया, हम हो गए तैयार, जाके पेपर में बैठ जाते हैं। जब तक आपने जो पढ़ा है उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना नहीं सीखोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिस सेशंस नहीं अटेंड करोगे, तब तक कैसे कर पाओगे? मुझे नहीं पता, कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे गाइज। तो ये सबसे बड़ी कमी है जो स्टूडेंट्स करते हैं, कभी भी टाइम मैनेजमेंट तो वेस्ट टाइम तो मैनेज करते ही नहीं है, साथ के साथ अब कभी भी प्रैक्टिस सेट्स नहीं लगाते, ओवर कॉन्फिडेंस है कि ठीक है यार हमने पढ़ लिया सिलेबस आ गया डन। गाइज, समय के अंतर्गत पेपर को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। आप 6 महीने की तैयारी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 महीने की तैयारी भी जीरो है अगर आपने 2.5-3 घंटों में अपनी परफॉर्मेंस ना दी। एंड रिजल्ट तो नहीं आएगा ना, एंड रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप लास्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देखोगे। अगर आपकी एंड परफॉर्मेंस आई, ठीक है तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो टाइम के अंतर्गत फुल स्पीड भी तो आप लोग की होनी चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, वो कैसे आएगी प्रैक्टिस कर। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी है जो कि आपको एक पेपर की फील दे, पेपर का कॉन्फिडेंस दे, ताकि आप इजीली एग्जाम को निकाल सको। अगला जो प्रॉब्लम है वो है मल्टीपल यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं आपको सही बता रही हूँ दोस्तों, अब डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, सारे चैनल्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स अपने अपने अलग अलग स्टाइल से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स सारे चैनल्स को फॉलो करते हैं और सारे चैनल्स के सारे टीचर्स के सेशन देखते हैं, सोचते हैं दो चीज़ें यहाँ से सीख लेंगे, दो चीज़ें यहाँ से, तीन चीज़ें यहाँ से, चार चीज़ें यहाँ से और हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। लेकिन गाइज, ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर एक मेस क्रिएट करती है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, ठीक है हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस अलग होंगे, वे अलग होगी, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है जो कि क्या करते हैं सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कराते हैं, इतने इजी है ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर में आते ही नहीं, पेपर के इररिलेवेंट है, वो आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि क्या ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 101% वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।
ठीक है, आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो पढ़ो जो एग्जाम के अंदर आए। ये मत देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ना एक नेचर होती है, ठीक है, बीइंग अ टीचर मैं खुद आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स की क्या नेचर होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जहां पर होती है ना चीजें आसान आसान, वहां उन्हें अच्छा लगता है, इसका आंसर ए, इसका बी, इसका सी, इसका फन करते हैं भाई। तुम ये नहीं देखते कि वो फन वाले क्वेश्चंस क्या पेपर में आ रहे हैं, क्या कोई तुमसे पूछ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है? नहीं। तो ये देखो ना कि मैं ऐसी चीज को पढ़ के जाऊं जो पेपर के अंदर आए, मुझसे पूछी जाए। तो आप अपने समय को वेस्ट मत करो। एक आपको जो भी चैनल अच्छा लगता है, जहां पे आपको लगता है कि मेरी तैयारी बढ़िया हो रही है, उसी चैनल को फॉलो करके बढ़िया वहां से तैयारी करो। ऐसा बिल्कुल मत करो कि इजी इजी क्वेश्चन। देखो हमारे चैनल के ऊपर, मैं फ्रेंकली आपको एक बात बताऊं, ठीक है, ऑर्गेनिकली पढ़ाया जाता है, ये सोच के कि ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे तो पेपर में आएंगे। आप मेरे एग्जांपल लेके देख लो, TRE 3 पॉइंट होगा, अगर आप पेपर उठाओ, चाहे 6 to 8 की साइंस का पेपर उठाओ, 40 में से 36 नंबर का पेपर मेरा पढ़ाया हुआ आया था, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर आउट ऑफ द वे पूछता है पेपर में दबदबा बनाने के लिए। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस कर जाओ और वो आए ही, तो फायदा क्या है, वो तो सीधा 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 वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट, क्यों? ऐसे रह जाओगे, उसी भीड़ के अंदर रह जाओगे जो कि पेपर नहीं निकाल पाएगी। मेधा सूची में आना है तो अपने दिमाग को देखना, अपनी जो दृष्टि है, ठीक है, अपना माइंड है बेसिकली, उसको खोलना सीखो, अपने विजन को बड़ा करो, सोचो कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करो, वो चीज़ पढ़ो जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक सही डायरेक्शन के अंदर तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी बात, स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते ही नहीं है। देखते हैं, ठीक है यार, पढ़ना शुरू कर दिया, एक चैप्टर, दो चैप्टर, भैया अपना सिलेबस पूरा, ये यूट्यूब चैनल से एक वीडियो देख ली, अगले से एक वीडियो देख ली, तीसरे से ये देख ली, चौथे से ये देख ली, पांचवे से देख ली, मैम मेरी तैयारी पूरी, चलो भैया ना हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट सॉल्व करे, नो हमें जरूरत ही नहीं, हमें सारा आता है, ठीक है। क्या हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों करूँ, मेरे को तो सारा आता है, मैं तो कॉन्फिडेंस ही बहुत हूँ, क्योंकि मैं 50 यूट्यूब चैनल से 50 लेक्चर्स को देख चुका हूँ, तो मुझे सब आता है। ऐसे पेपर निकलता होता तो हर किसी का निकल जाता। मैं फ्रेंकली आपको ये बात आ रही हूँ, ऐसा पेपर निकलता होता तो हर किसी का निकल जाता। भाई प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें देखना समझना इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। जब तक यही नहीं पता तब तक पेपर कैसे निकल जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता निकल सकता है, मैं ही नहीं निकाल सकती, ठीक है। अगर आप मुझे बोलो कि XYZ पेपर की तैयारी करनी रहती है, मैम ये पेपर निकालना है, ठीक है, मैं बोलूँ ओके चलो ठीक है, मेरे को पता ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, मुझे पता ही नहीं है एग्जाम क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारी पूरी टीम जब बिहार गई थी, गाइस पटना गई थी, ठीक है, सेशन लेने, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई। स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम हमारा क्या सिस्टम होता है कि जब हम घर पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट में बनाने की लगते हैं एग्जाम में तो हमसे होते नहीं है, क्योंकि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी तैयारी कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, तभी ये दिक्कत आ रही है। कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट ही बहुत होते हैं, भैया जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आएगी, भाई तुम्हारा तैयारी शुरू करेगा जुलाई एंड में, और अगस्त के अंदर झंडे गाड़ देंगे, ऐसे झंडे गढ़ते तो हर किसी चलते फिरते के पेपर क्वालिफाई हो जाते। तो ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें आपको मार डालती हैं, लेकिन आपको पहले समझ में नहीं आता। जब भीड़ निकल जाती है, ठीक है, जब समय निकल जाता है, तब आपको समझ में आता है, और तब आप पछताते हो कि काश मैंने ओवर कॉन्फिडेंस ना रखा होता, काश मुझ में कॉन्फिडेंस होता, काश मैं बढ़िया तरीके से तैयारी करता, ये इन पॉइंट्स को दिमाग में रखता और एग्जाम को क्वालिफाई करता। तो भाई मेरे ये गलती कोई भी मत करे, ना ओवर कॉन्फिडेंट हो ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रखो, अपनी तैयारी जोरदार करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, मॉक टेस्ट पेपर जरूर देखो, और फालतू में इधर उधर भटको नहीं, एक अलाइंड वे के अंदर तैयारी करो, ठीक है, कि ठीक है यहाँ से मुझे पढ़ना है, मुझे ये बढ़िया लग रहा है चैनल, या फिर ये मैं यहाँ से कोर्स खरीदूंगा, या फिर मैं यहाँ से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और अपने एग्जाम को करूंगा क्वालिफाई, ये आपके पास होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको अच्छा लगे या ना लगे वो आपका पॉइंट है। देखो मैं नहीं कहती कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आगे पढ़ो, भाई तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है पढ़ो,
पढ़ो, लेकिन एज अ फ्रेंड एक सलाह दूंगी कि ये जो पॉइंटर्स हैं इनके ऊपर जरूर काम करना और ये गलतियां मत करना और अपने पेपर को क्वालिफाई करना, जितनी जल्दी हो सके पेपर निकालो क्योंकि उतनी जल्दी पक्के हो जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा समय, आप लोगों का जो है ना पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता चलेगा यार, फिर पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, फिर सोचोगे कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो खेत गया, अब रोके क्या फायदा, कुछ भी नहीं, समय भी गया खेत भी गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी तैयारी को बढ़िया करो, ठीक है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पर जुड़ना चाहते हो तो हम हमेशा आपके साथ हैं, 2 PM पे मेरी क्लास होती है, आप 2 PM पे मेरी क्लास जरूर देखो, क्लास के अंदर ज्वाइन करो, बढ़िया से तैयारी करो अपने एग्जाम की। नहीं तो गाइस जिसको अच्छे से तैयारी करनी है ढंग से कई चीज़ की, तो 7973700450 इस नंबर पे एक मैसेज डालकर पेड कोर्स में इनरोल हो सकता है। कोर्स आपको सस्ते में मिल जाएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर चल रहा है डिस्काउंट, तो आप अगर मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज करते हो टीम से डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स दिलवा के एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ कोर्स में आपको दिलवा देंगे। ये जो मिस्टेक्स मैंने आपके सामने बताई, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करें, अपने समय को मैनेज करें ताकि अपने सपने को पूरा कर सकें, अपने जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, बढ़िया कंटेंट बढ़िया कोर्स से तैयारी करें ताकि पेपर निकले, वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ो। ये थोड़ी है कि यार नल्ले पल्ले कुछ भी क्वेश्चन करते रहो, उससे क्या फ़ायदा भाई, तुम जितने मर्जी कर लो, सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन करवा दूँ ठीक है, वो जो पेपर में नहीं आएंगे तो उससे क्या आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, इसका आंसर है इसका बी इसका सी इसका डी, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। गाइस मजे लेने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम को निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निकालने के बाद जो मजा है ना वो अलग मजा है, समझे मेरी बात। और सबसे बड़ी गलती ये कभी मत करना पॉइंटर कि वैल्यूएबल कंटेंट के पीछे भागो, ये नहीं कि कुछ भी करो, कुछ भी करने से एग्जाम नहीं निकलता, करते चलो यार आपको क्या है, ठीक है। तो यार मिसगाइड कभी मत हो, एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से देखो, और कभी ओवर कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपने पे भरोसा रखना है कि मैं कर लूंगा, बट ये नहीं सोचना कि मैं बिना पढ़े कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, बिना मेहनत भगवान भी मदद नहीं करते। तो सारी बातें ध्यान रखना, जो जो स्टूडेंट पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी उन लोगों को आती है, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो 7973700450 इस नंबर के ऊपर आप लोग कर सकते हो मैसेज। तो सेशंस के अंदर लाइव मिलते हैं, मेहनत करते हो, और इस बार मिलके TRE 3.0 और 4.0 को उड़ा देंगे मेरे दोस्तों, झंडे गाड़ देंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद।